ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको ये बताएंगे कि आज सिगरेट पीना पहले से ज्यादा जहरीला हो गया है। पिछले 50 सालों में जो हम से पहले जो 50 साल पहले जो सिगरेट पीते थे और आज जो सिगरेट पी रहे हैं, दोनों में आसमान जमीन का फर्क हो गया है। पहले कम नुकसान होता था, आज नुकसान ज्यादा होता है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इससे जानलेवा कर्क रोग होता है, मतलब कैंसर होता है। लेकिन पहले की तुलना में सिगरेट की कश आपके लिए और भी जानलेवा बन गया है। बीते 5 दशकों से तंबाकू के उत्पादन और इससे बनाए जाने वाले पदार्थ की गुणवत्ता में आई गिरावट के चलते सिगरेट कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गई है। मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि पिछले 50 वर्षों से ये सिगरेट आज की तारीख में कैसे ज्यादा खतरनाक हो गई है। और ये कैंपेन फॉर टोबैको की फ्री किट्स के शोध हैं, जिसके अनुसार सिगरेट बनाने में बीते 50 सालों में करीब 10 बदलाव आए हैं। वहीं इस अभियान से जुड़े डॉक्टर के अनुसार आज के समय में मिलने वाले सिगरेट्स 1964 में बिकने वाले सिगरेट की तुलना में सेहत के लिए ज्यादा खतरनाक हो चुका है। बीते 5 दशक में सिगरेट की डिजाइन और इसे बनाने में इस्तेमाल किए हुए बदलाव के कारण धूम्रपान कई गुना अधिक जानलेवा बन चुका है। 5 दशक में सिगरेट के साथ जो बदलाव हुए हैं मैं आपको बताता हूं। आज के समय में धूम्रपान करने वाले लोगों को कैंसर और सांस से जुड़ी अन्य बीमारियां होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। 1964 के मुकाबले भले ही आज कम लोग धूम्रपान करते हों, लेकिन इससे होने वाले नुकसान भी ज्यादा है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि गत 50 वर्षों में तंबाकू कंपनियां ने ऐसे प्रोडक्ट्स इजाद किए हैं जो प्रभावशाली ढंग से नशे की लत लगाते हैं, युवाओं को पहले से कहीं ज्यादा लुभाते हैं और उसके लिए ज्यादा नुकसानदायक भी है। साथ ही युवाओं में सिगरेट की लत पैदा करने के लिए तंबाकू उत्पादन करने वाली कंपनियां कई तरह के ट्रिक्स भी अपना रही है, जिसमें आपको उनके बदलाव के बारे में बताता हूं। लेवोलिनिक एसिड, एडेड शुगर और एस्ट्राडाइलडिहाइड। सिगरेट को ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए अब अलग से इसमें एसिड सॉल्ट्स मिलाए जाते हैं। एसिड सॉल्ट जो होता है वो लेवोलिनिक एसिड जैसे होते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार लेवोलिनिक एसिड धूम्रपान करने वाले इंसान के दिमाग पर नकारात्मक असर डालता है। यह निकोटीन को शरीर के नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के ग्रहण कर पाने योग्य बना देता है और फिर धीरे धीरे निकोटीन की लत लग जाती है। इसके अलावा सिगरेट में एडेड शुगर का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है, जिससे सिगरेट के धुएं को गले से नीचे उतारना आसान हो जाता है। जबकि एसिटाल्डिहाइड निकोटीन के नशीले प्रभाव को बढ़ाता है। यह आमतौर पर शरीर में स्वाभाविक रूप से बनता है और अलग से इसे लेने पर फेफड़ों को नुकसान होता है। यह दिल और खून की धमनियों को भी नुकसान पहुंचाता है। फिर इसमें अमोनिया कंपाउंड का इस्तेमाल हो रहा है। अमोनिया के कुछ प्रकार के कंपाउंड सिगरेट में मिलाने पर निकोटीन का दिमाग पर जल्दी असर होता है। लेकिन ध्यान रहे कि अमोनिया एक जहरीली गैस है जो रंगहीन होता है और काफी तीखी गंध वाला होता है। इसे रासायनिक उर्वरकों और सफाई करने वाले प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। सिगरेट के माध्यम से इसे लेने पर गले में खराश व संक्रमण, सांस फूलना और कफ व्याधि होने की समस्याएं होती है। फिर मिथॉल और ज्यादा छिद्रदार फिल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। सिगरेट में मेंथॉल मिलाने के बाद सिगरेट पीने पर गले में ठंडक का एहसास होता है। लेकिन अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का मानना है कि मेथॉल सिगरेट की लत साधारण सिगरेट के मुकाबले अधिक तेज होती है। शोध बताते हैं कि मेंथॉल सिगरेट पीने वालों को इसे छोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। वहीं सिगरेट में इस्तेमाल फिल्टर में अब ज्यादा छिद्र होते हैं, जिसके चलते सिगरेट पीने वाले व्यक्ति ज्यादा बड़ा कसम भर पाता है। इससे इंसान पहले के मुकाबले 30% ज्यादा धुआं खींचता है। और जितना ज्यादा धुआं उतना ज्यादा नुकसान। इसके अलावा सिगरेट कंपनियां तय मात्रा तक ही सिगरेट में तंबाकू की मात्रा रखते हैं ताकि नशे की लत पैदा की जा सके, लेकिन तय मात्रा बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। 2014 में आई सर्जन जनरल की रिपोर्ट के अनुसार कई सिगरेट्स में ब्लेंडेड तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लेंडेड तंबाकू मतलब एक तरह का तंबाकू का मिश्रण ही होता है और इसे कैंसर पैदा करने वाले अपेक्षाकृत जो कीटाणु है वो अधिक होते हैं।
ब्लेंडेड सिगरेट में तंबाकू वाले तत्व नाइट्रो सीमेंट्स की मात्रा में अधिक होती है। यह जानवरों के फेफड़ों में कैंसर पैदा करने वाला तत्व है, जो इंसानों के लिए भी उतना ही घातक होता है। यह परिणाम कैंपेन फॉर टबैको की फ्री किड्स के द्वारा किए गए शोध से जुड़े दस्तावेज और कुछ अन्य वैज्ञानिक शोध पर आधारित है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि सिगरेट पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, तो इसे अवॉइड करना ही ज्यादा अच्छा है अगर आप लंबी उम्र तक जीना चाहते हैं, तो अपने लिए न सही अपने परिवार के लिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।